ओ माय गॉड गाइस, क्या बम फोड़ दिया फरहान अख्तर ने अभी जस्ट नाउ कुछ घंटे पहले। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फरहान अख्तर ने टीज किया है, मतलब अनाउंसमेंट किया, ट्रेलर अनाउंसमेंट हुआ एक तरह से, मतलब टाइटल अनाउंसमेंट कह लीजिए जो डॉन 3 का हुआ है। उसमें हम देख रहे हैं रणवीर सिंह को डॉन का प्रसोना लेते हुए। लोग पूरी तरह से भाई इंटरनेट में पागल हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब आलोचना हो रही है रणवीर सिंह की, एंड वो चाहते हैं कि भाई शाहरुख खान ही इस रोल को करें, बट ये तो कंफर्म हो चुका है कि भाई रणवीर सिंह ही करने वाले हैं एंड शाहरुख खान इस प्रोजेक्ट में नहीं वापस आने वाले हैं। आखिरी बार वो 2011 में दिखे थे डॉन 2 में, 10 साल का फ़ैन वेट कर रहे थे और पता नहीं फिल्म क्यों डिले हुई और आगे फिल्म बनी ही नहीं और इंतज़ार ही करते रह गए। और अचानक से 4-5 महीने पहले, ये 2-3 महीने पहले ये कंफर्म हो गया था कि रणवीर सिंह रिप्लेस कर रहे हैं SRK को, और भाई स्पेशली SRK फ़ैन तो बावले हो गए एंड बिल्कुल भी ये चीज़ गवारा नहीं थी कि यार इतना आइकॉनिक रोल SRK का वो रणवीर सिंह करे। तो हेट मिलनी भाई बहुत ज़्यादा लाजिम है, और ऐसा एग्जैक्टली शाहरुख खान के साथ भी हुआ था। और जब ये अनाउंस हुआ था 2000 में कि अमिताभ बच्चन की जो क्लासिक फिल्म है डॉन वो करेंगे अब शाहरुख खान, उसका रीमेक बना रहे हैं, तो ऐसा ही शाहरुख खान के साथ भी हुआ था। बट उनका स्टारडम उस टाइम पे वो अलग था, बट यहाँ पे भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। और आप सब जानते हैं किस लेवल पे वो फ्रेंचाइजी गई थी 2006 में, और उसका सीक्वल भी आया 2011 में। तो मैं बिलीव रखता हूँ भाई फरहान अख्तर अगर डायरेक्टर चेयर्स पे बैठ चुके हैं तो मैं बिलीव करता हूँ कुछ ना कुछ वो ऐसा ऑडियंस के लिए लेके आने वाले हैं। तो ऐसा लगता है थोड़ा सा लोगों को सब्र रखना चाहिए, थोड़ा सा थांबा रख के या थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सब्र रखो यार, इतना जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट तो अनाउंसमेंट ही हुआ है, ट्रेलर भी नहीं आया, अगर ट्रेलर आता है उसमें पता चल जाएगा फिल्म कैसी होने वाली है। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है बिलीव इन रणवीर सिंह की एक्टिंग और उनकी जो कैपेबिलिटी है, जैसे उस तरह के परफॉर्मेंस देते हैं और कैसे कैरेक्टर को इतना लार्ज देन लाइफ बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि मे बी यार वो रोल ये पुल कर सकते हैं स्क्रीन पे। और अभी तक यार मुझे थोड़ा टीजर में ये लगा कि वो ट्राई कर रहे थे थोड़ा SRK की डायलॉग डिलीवरी बोलने की। जीतना ही मेरा काम है, तुम तो हो जानते जो मेरा नाम है, बट आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, उनको अपना एक स्टाइल लाना चाहेंगे और वो लाएंगे भी ज़रूर मुझे लगता है। भाई वो इतने एक्टर तो हैं, ये कोई जिसमें दो राय नहीं है। तो भाई रणवीर सिंह को भी तैयार रहना चाहिए, हेट दबा के मिलने वाला है और उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये जो कास्टिंग हुई है भाई एकदम परफेक्ट हुई है। बट मैं बिलीव रखता हूँ, मैं तो चांस दूंगा डेफिनेटली, और देना भी चाहिए। और ऑडियंस को और स्पेशली यूट्यूबर्स को यार इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कोई उनको छपरी डॉन कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, यार रुक जाओ, देखो अभी देखते हैं ट्रेलर में क्या है भाई। एंड मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि भाई कोई भी आ रहा हो, डॉन 3 फिल्म आ रही है 10 साल बाद, और ये राइट टाइम है यार बॉलीवुड के लिए इस टाइप की फिल्म लाने का। एंड यार एक तरह से फ़ैन भी अपनी जगह सही है यार, SRK अब दोबारा से पठान लेके आ चुके थे और दोबारा से गेम में वापस आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यार अगर वो डॉन 3 करते तो अलग लेवल पे ही फिल्म चली जाती। खैर ऐसा नहीं हो पाया यार, इट्स ओके यार, चांस देना चाहिए रणवीर सिंह को भाई, चांस दो, देखो बंदा है भाई, वो एक्टर तो है भाई, दो चलो देखते हैं। एंड काम पसंद आता तो यार कर देना, वही जो मैं कहता हूँ हमेशा। और अपना कमेंट ज़रूर बताना, आपका क्या ख्याल है भाई इस बारे में, जो अभी आपने टीज़र देखा, अनाउंसमेंट, ट्रेलर अनाउंसमेंट देखा, वो आपको कैसा लगा, ठीक है बताना मुझे कमेंट।